हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रनवे 90। आज हम बनाना सीखेंगे अरहर की दाल, इसे हम तुअर की दाल भी कहते हैं। जब कुछ हैवी बनाने का मन ना हो या खाने का मन ना हो तो हम इस दाल को बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए चलिए हम सीखेंगे आज अरहर की दाल बनाना। अरहर की दाल बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी अरहर की दाल ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और मैंने ली हैं गार्लिक क्लोव्स, और मैंने लिया है पानी बॉईल करने के लिए। हम अब दाल में डालेंगे टर्मरिक पाउडर, नमक का पाउडर और 4 कटोरी पानी। एक कटोरी दाल में मैंने यहाँ 4 कटोरी पानी डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे गैस पर बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। जिसका फर्स्ट विसल है वो हम फुल फ्लेम पे लेंगे, और बाकी के जो हम 4 या 5 विसल लेंगे वो हम लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर पहली विसल आ चुकी है हाई फ्लेम पर, उसके बाद की जो 4 विसल आएंगी वो हम लेंगे मीडियम फ्लेम पर या लो मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो 5 विसल भी लगा सकते हैं, और कभी कभी तो ये दाल 3 या 4 विसल में ही पूरी तरह से पक जाती है। इस दाल को पकाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, ये दाल आसानी से 10 मिनट में पककर तैयार हो जाती है। इसीलिए ये सबसे इजी दाल होती है और ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। अब जब कुकर में गैस रिलीज हो जाएगी तब हम उसका ढक्कन खोलेंगे। अब हम दाल को अच्छे से फेंट लेंगे, या तो स्पैचुला से हम अच्छे से फेंट लेंगे या हम विस्कर से अच्छे से उसे फेंट लेंगे। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी जैसी हमें खानी हो उस अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बाउल पानी डाला है। अब मैं इसे छोड़ दूंगी बॉईल करने के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब हम बनाने चलते हैं तड़का। दाल का तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है 1 अनियन, 1 टमाटर, जिंजर और हरी मिर्च अदरक। सबसे पहले हम यहाँ तेल गर्म करेंगे। तेल में हम जीरा, मस्टर्ड सीड, कड़ी पत्ता, साबुत मिर्च और उसके बाद में प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि उसका कलर सुनहरा ना हो जाए। देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं इसमें पिंच भर नमक डालूंगी। ध्यान रखिएगा कि नमक हमने दाल में भी डाला है, तो यहाँ हम नमक थोड़ा कम डालेंगे। अब नमक डालने के बाद जो टमाटर पकने की प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो अब मैं इसे मिक्स करते करते इस तड़के को अच्छे से पकाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ तड़का अच्छे से पकने दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च कटी हुई और अदरक कटा हुआ। इस तरह से जो मैंने अदरक काटा है, इस तरह से अदरक काटने से इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है जब ये मुँह में आता है। फिर इसमें हमने डाला हल्दी पाउडर, हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप ज़्यादा लाल मिर्च खाना चाहते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग ज़्यादा लाल मिर्च डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर कम डाली है। अब हम इस तड़के को डालेंगे दाल में। ये पूरी तरह से तैयार है, ये देखिए ये मैंने दाल में तड़का डाल लिया है। और अब मैं इसे पकने दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप दाल का कलर कितना टेम्पटिंग हो गया है। वाह जी वाह, आपकी दाल बनकर रेडी होने वाली है। ये जो झाग है, ये झाग जब तक हटे ना तब तक हम दाल को पकाएं। धनिया की पत्तियां, ये हमारी दाल बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल घर जैसी दाल है। आजकल के बच्चे हैं, उन्हें खाना बनाना नहीं आता है तो इस तरह से आसानी से दाल बनाकर, चावल बनाकर खाना खा सकते हैं। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं दाल कितनी टेम्पटिंग बनी है। आप इस दाल को चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, लच्छा पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।